दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न एक सरकारी संस्थान है। दिल्ली पुलिस भारतीय केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, दिल्ली की राज्य सरकार के अधीन नहीं। भारत के अन्य सभी राज्यों में पुलिस राज्य सरकारों के अधीन होती है। दिल्ली पुलिस का कोतवाल की प्रसिद्ध संस्था के माध्यम से पुलिसिंग का एक लंबा इतिहास रहा है। मलिकुल उमरा फकरुद्दीन को दिल्ली का पहला कोतवाल कहा जाता है। वो 1237 ईस्वी में 40 वर्ष की आयु में कोतवाल बने और साथ ही साथ नायब गिबत अनुपस्थिति में रीजेंट के रूप में भी नियुक्त हुए। उनकी अखंडता और दूरदर्शिता के कारण उनका कार्यकाल बहुत लंबा था। 3 सुल्तानों के क्षेत्रों बलबन, कैकोबाद और कैखुसरो के माध्यम से पद धारण किया। एक अवसर पर जब कुछ तुर्की रईसों ने बलबन के आदेश को वापस लेने के लिए उनसे संपर्क किया था, तब उनकी संपत्ति को जब्त करते हुए कोतवाल ने कहा, मेरे शब्दों का कोई भार नहीं होगा यदि मैं आपसे कोई रिश्वत स्वीकार करता हूँ। यह माना जाता है कि कोतवाल या पुलिस मुख्यालय तब किला राय पिथौरा या आज के मेहरौली में स्थित था। इतिहास की किताबों में वर्णित एक अन्य कोतवाल का नाम मलिक अलौल मुल्क है, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में नियुक्त किया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार उनके बारे में कहा था, वो जादूगर प्रधानमंत्री जहाज के योग्य हैं, लेकिन मैंने उनकी अक्षमता के कारण उन्हें केवल दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया है। इतिहास की गोली जब सम्राट शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो उसने गजनफर खान को नए शहर के पहले कोतवाल के रूप में नियुक्त किया। सबसे अच्छा कारण मीरे आतिश आर्टिलरी के प्रमुख का बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय था। इतिहास बुलेट 1857 के विद्रोह को कुचलने के साथ कोतवाल की संस्था समाप्त हो गई। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता का पहला युद्ध और दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्रता के पहले युद्ध के विस्फोट से ठीक पहले नियुक्त दिल्ली का आखिरी कोतवाल था। गंगाधर नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा एक संगठित सेटअप इतिहास की गोली अंग्रेजों द्वारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम को अपनाने के बाद पुलिसिंग का एक संगठित रूप स्थापित किया गया था। दिल्ली पंजाब का एक हिस्सा होने के बाद भी पंजाब पुलिस की एक इकाई बनी रही। 1912 में भारत की राजधानी, उसी वर्ष दिल्ली के पहले मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई और उन्हें पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियां और कार्य दिए गए। 1912 के राजपत्र के अनुसार दिल्ली जिला पुलिस के एक डीआईजी के नियंत्रण में था, जिसका मुख्यालय अंबाला में था। हालांकि दिल्ली जिले में पुलिस बल की कमान एक अधीक्षक और एक पुलिस उपाधीक्षक के पास थी। सिटक की कुल संरचना में 2 इंस्पेक्टर, 27 सब इंस्पेक्टर, 110 हेड कांस्टेबल, 985 फुट कांस्टेबल और 28 सवार थे। शहर में ग्रामीण पुलिस 2 निरीक्षकों के प्रभारी थे, जिनके मुख्यालय सोनीपत और बल्लभगढ़ में क्रमशः 10 पुलिस स्टेशन थे। इतिहास बुलेट इसके अलावा 7 चौकी और 4 सड़क चौकियां थीं। इतिहास की गोली शहर में कोतवाली, सब्जी मंडी और पहाड़गंज के 3 योरगा थाने थे। में सिविल लाइंस, वहां विशाल पुलिस बैरक थे जहां रिजर्व, सशस्त्र रिजर्व और रंगरूटों को ठहराया जाता था। दिल्ली पुलिस को 1946 में पुनर्गठित किया गया था, जब इसकी ताकत लगभग दोगुनी हो गई थी। में विभाजन के मद्देनजर शरणार्थी आबादी का एक बड़ा प्रवाह आया और 1948 में अपराध में तेज वृद्धि हुई। 16 फरवरी 1948 को दिल्ली के पहले आईजीपी की नियुक्ति की गई और दिल्ली पुलिस की कुल ताकत में वृद्धि हुई 1951 से लगभग 8000 तक एक पुलिस महानिरीक्षक और 8 पुलिस अधीक्षकों के साथ। पुलिस उप महानिरीक्षक का एक पद 1956 में बनाया गया था। दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि के साथ दिल्ली पुलिस की ताकत बढ़ती गई और वर्ष 1961 में यह 12,000 से अधिक हो गई। वर्तमान में दिल्ली पुलिस की स्वीकृत संख्या 83,762 है।
वर्ष 1966 में भारत सरकार ने दिल्ली पुलिस के सामने आने वाली समस्याओं में जाने के लिए न्यायमूर्ति जीडी खोसला की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस आयोग का गठन किया और यह खोसला आयोग की रिपोर्ट के आधार पर था कि दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से पुनर्गठित किया गया था। चार पुलिस जिलों अर्थात उत्तर, मध्य, दक्षिण और नई दिल्ली का गठन किया गया था। दिल्ली पुलिस आयोग ने पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू करने की भी सिफारिश की, जिसे अंततः 1 जुलाई 1978 से अपनाया गया। दिल्ली की आबादी और पुलिस की परिचारक समस्याएं बढ़ती रहीं और श्रीवास्तव समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस की ताकत को वर्तमान स्तर तक बढ़ाकर 76,000 से ऊपर कर दिया गया। इस समय दिल्ली में 6 रेंज, 11 जिले और 184 पुलिस स्टेशन है। आज दिल्ली पुलिस शायद दुनिया की सबसे बड़ी महानगरीय पुलिस है, जो लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और टोक्यो से भी बड़ी है। दिल्ली पुलिस का मिशन और उद्देश्य। दिल्ली पुलिस का मिशन उद्देश्य दिल्ली पुलिस को कानून का निष्पक्ष और दृढ़ता से पालन कराने, अपराध को रोकने के लिए, कानून तोड़ने वाले अपराधियों का पीछा करने और न्यायालय तक लाने के लिए, समुदाय के साथ साझेदारी में शांति बनाए रखने के लिए लोगों की रक्षा करना, उनकी मदद करना आदि दायित्व होता है। हमें अवश्य होना चाहिए दयालु, विनम्र और धैर्यवान, बिना किसी डर या पक्षपात या पूर्वाग्रह के कार्य करना दूसरों के हक के लिए। हमें होना चाहिए पेशेवर, शांत और संयमित हिंसा के सामने और केवल उस बल को लागू करें जो हमारे वैध कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। हमें प्रयास करना चाहिए जनता के डर को कम करने के लिए और जहां तक हम कर सकते हैं, हम जो कार्रवाई करते हैं उसमें उनकी प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए। हमें जवाब देना चाहिए बदलने की इच्छा के साथ अच्छी तरह से स्थापित आलोचना। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो समुदाय के लिए फायदेमंद है तो कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हमें और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा और साथ ही टिप्पणी करना न भूले ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आई Thanks a lot of watching the video. Please feel free to give suggestion, send motivational videos for the of benefit society, raise your voice by making and sending plays, stories etc. Let us create awareness together. Please feel free to call us if you require any help. You can also be a part of our team or channel as a member or associate. Please call us our contact phone no at 9818003990 or on another phone no at 9540003999 or email at info.consumertimes@gmail.com. Visit our website www.consumertimes.in. Please like this video. Please like, share and subscribe our channel will motivate our team to work hard. Thank you.